हेलो फ्रेंड्स, एक बार से फिर से आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको डबल बेड दिखाऊंगा। जो बेड है वो प्लाई और लकड़ी दोनों के कॉम्बिनेशन पे पूरा बना हुआ है, मतलब जितने भी उस पर वुडन वर्क हो रखा है सब सागवान की लकड़ी पे बना हुआ है। और आपको ये भी बताऊंगा कि लकड़ी की पहचान कैसे होती है, कि लकड़ी हम पहचानते कैसे हैं कि लकड़ी सागवान की लकड़ी लगी है या कोई भी लकड़ी लगी है, कैसे हमको पता लगेगी सागवान की लकड़ी में क्या फ़र्क होता है और लकड़ी में क्या फ़र्क होता है। और अगर आप अपने घर के लिए डबल बेड लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया कि बेड लेने से पहले आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप एक अच्छा बेड ले सकें। उसके बाद दोस्तों, जो बेड मैं दिखाऊंगा उसका आपको पूरी डिटेल ही बताऊंगा, उसका साइज क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करूंगा। और दोस्तों, अगर आपको बेड लेना है वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, ये सारी चीज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, यही वो बेड है जिसकी मैं बात कर रहा था। और अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ सबसे पहले, तो जो इसके ऊपर मैट्रेस रखा हुआ है 72x75 का मैट्रेस रखा हुआ है, मतलब 72x75 मतलब किंग साइज 72x75 कहते हैं, 6x6.25, मतलब हमेशा बेड जो रहता है चौड़ाई में 6 फुट रहता है, लंबाई में आपसे छोटा बड़ा करते हैं। वैसे लंबाई जो है इसकी है वो 6.25 है, मतलब 6 फिट 3 इंच, 6x6.25 का उसका मैट्रेस है, किंग साइज़ का उसका मैट्रेस है। और हेड साइड की जो स्टोरेज है, हेड साइड में भी मतलब आपको स्टोरेज मिलेगा इसमें एक और दो, अभी मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ, ज़मीन से आपको इसकी जो हाइट मिलेगी वो 4 फीट इसकी हाइट मिलेगी। उसके बाद बीच वाले पार्ट में आपको स्टोरेज मिल जाएगा, इस वाले पार्ट में आपको स्टोरेज मिल जाएगा एक और दो, आप ना कोई भी सामान रख सकते हैं, फ़ोन वोन रखना हो कुछ भी आप रख सकते हैं आराम से। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ स्पेस दिया हुआ है, आप ना इधर भी फ़ोन आराम से आ जाता है, ये देख सकते हैं मैंने फ़ोन रखा है, तो बट आराम से बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पर फ़ोन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पर इतनी स्पेस है, मतलब आप फ़ोन रखने की आराम से स्पेस रहती है। उसके बाद इसके अंदर भी आपको स्टोरेज मिलेगा, ये स्टोरेज वाला पार्ट है इसके अंदर। इसके अंदर जब आप लेंगे तो मैग्नेट और जंजीर से इसको भी लगाया जाएगा, मतलब इधर जंजीर लगेगी और मैग्नेट लगाएगा। और जो स्टोरेज है यहाँ पे, कितनी हाइट की स्टोरेज मिलेगी, कम से कम 2 फुट की आपको डेप्थ की स्टोरेज मिलेगी। ये स्टोरेज वाला पार्ट हो गया, आराम से इसके अंदर अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। सेम चीज़ आपको उस साइड में मिलेगी, सेम मतलब जैसे इधर स्टोरेज है सेम स्टोरेज आपको उसी साइड में मिलेगी। पॉलिश की बात करूँ, इसमें पॉलिश कैसा हो रखा है, पॉलिश देख सकते हैं 2 कंट्रास्ट में इसमें पॉलिश हो रखा है। और अभी मैं इसकी पॉलिश की क्वालिटी बताऊँगा कि पॉलिश की क्वालिटी कैसी है। और डिज़ाइन जैसे हेड पे है वही सेम डिज़ाइन है, बस जैसे हेड साइड पे जो हमने कलर कॉम्बिनेशन का पॉलिश दिया है वही सेम डिज़ाइन हमने लेग साइड में भी कलर कॉम्बिनेशन का पॉलिश दिया हुआ है। उसके बाद एक चीज़ अगर आप देखेंगे, हमने इसमें आउटलाइनिंग करी हुई है, जितने भी इन चीज़ों पे सब पे हमने आउटलाइनिंग करी हुई है, थोड़ा उभर के आया हुआ है इस वजह से कि आउटलाइनिंग, इन सभी पे आपको आउटलाइनिंग मिलेगी, इन सभी चीज़ों पे आपको आउटलाइनिंग मिलेगी, सभी चीज़ों पे आउटलाइनिंग में आपको मिलेगी। इसे शेड कहते हैं पॉलिश में, जब इसे जब करते हैं तो इसे शेड कहते हैं, कि शेड कर देना, शेड करने से थोड़ा उभरा हुआ ये चीज़ें लगती हैं। और पॉलिश का कलर कॉम्बिनेशन हो रखा है डार्क और लाइट में, लाइट कलर को हमने टीक कलर में पॉलिश करा हुआ है, जो डार्क कलर है उसे हम वॉलनट कलर का पॉलिश करा है। वॉलनट कलर पॉलिश में हमने डार्क कलर को वॉलनट कलर कहते हैं, थोड़ा हल्का ब्लैकिश होता है, पूरा ब्लैकिश नहीं होता, हल्का सा होता है, मतलब पूरा डार्क नहीं होता, हल्का थोड़ा लाइट होता है, इसीलिए उसे वॉलनट कलर कहते हैं। उसके बाद आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा पास होकर दिखाऊं तो कैसे कलर शाइन कर रहा है, ये पूरा इसके ऊपर पीयू पॉलिश हो रखा है, प्यू पॉलिश थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मतलब उसकी शाइनिंग थोड़ी लंबे समय तक रहती है। आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं किस तरह से बेड शाइन कर रहा है, ये इसकी पूरी पॉलिश है। और प्यू पॉलिश के से थोड़ा नीचे अगर हम आएंगे तो मेलामाइन पॉलिश होती है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी रहती है, बस वो इतना लॉन्ग लास्टिंग रहता है कंपेरिजन टू प्यू पॉलिश। प्यू पॉलिश थोड़ा महंगा आता है लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है मेलामाइन पॉलिश से। वुड की बात करूं तो वुड कैसे पहचाने कि कहाँ कहाँ वुड लगाया है, दोस्तों सागवान की हमेशा एक पहचान रहती है, जैसे सागवान की जो लकड़ी होगी ना उसमें आपको रेशे ज़रूर मिलेंगे। रेशे अगर मैं बात करूं, जैसे आप देख रहे हैं ये जो वुड है, वुड पे आप एक चीज़ देखेंगे, रेशे आपको बनाए इनबिल्ट रेशे, जैसे पेड़ पे रेशे होते हैं ना, ये सारी चीज़ आपको इस पे रेशे दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे ये चीज़ अगर आप नोट करेंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ दोस्तों सागवान की पहचान होती है। सागवान में इस तरह के रेशे होते हैं, अगर आप एक चीज़ पे देखेंगे इस पे भी आपको रेशे, ये दोस्तों रेशे बनाए नहीं गए हैं, सब इनबिल्ट रहते हैं लकड़ी पे, हमेशा इस तरह के रेशे रहते हैं, तो इसे सागवान की लकड़ी पे यही पहचान होती है कि उस पे रेशे आपको मिलेंगे। इस पे देखेंगे इसके फ्रेम पे ये आपको रेशे मिलेंगे, और जितने भी इस पे जो रेशे हैं, जैसे ये चीज़ देखेंगे तो बिडिंग है, बिडिंग भी लकड़ी की होती है, तो इस पे भी आपको रेशे मिलेंगे, मतलब जितना भी इस पे फ्रेमिंग का सामने का वर्क है सब वुडन ही है। अगर थोड़ा और पास से दिखाऊं लेग वाला पार्ट, इस पे भी आपको ये रेशे ज़रूर मिलेंगे,
ये पूरे रेशे हैं जिसको हमने लाइट कलर में पॉलिश करा हुआ है, थोड़ा कंट्रास्ट भी आए और थोड़ा पता भी लगे कि हाँ ये लकड़ी कौन सी है। तब और लकड़ियों पे ये चीज़ नहीं होती, जितने रेशे सागवान की लकड़ी पे होते हैं और लकड़ी में ये चीज़ नहीं होती। मतलब अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ आपको, ऐसी ये चेयर देख रहे हैं अगर डाइनिंग की, इसमें भी आपको ये रेशे ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे, ये रेशे सागवान की पहचान होती है। मतलब सागवान की लकड़ी पे ही इस तरह के रेशे आपको ज़रूर मिलेंगे, ये सागवान की थोड़ी पहचान होती है, और लकड़ियों पे इस तरह के रेशे नहीं होते। और दोस्तों जो बॉक्स है वो दो पार्ट में खुलेगा, मतलब स्टोरेज जो रखने की जगह है वो दो पार्ट में खुलेगा, एक यहाँ से आप उठा सकते हैं, दूसरा आप इधर से उठा सकते हैं, पूरा पूरा उठेगा, एक पूरी प्लाई इधर से उठेगी और दूसरी प्लाई इधर से उठेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना था, आप हमेशा जब भी बेड लेंगे तो जिसके ऊपर की जो वो रहेगा वो हमेशा प्लाई रहेगी, बोर्ड नहीं रहेगा। वैसे बोर्ड कोई लगाता नहीं है, आप हमेशा प्लाई लगवाना इसके ऊपर, नीचे आप लगवा सकते हैं लेकिन इसके ऊपर जो रहेगा हमेशा आपको प्लाई लगवानी है, जिसकी थिकनेस जो मैं कह रहा हूँ 16 mm, अगर आप इसे 16-12 जो भी रखते हैं लेकिन इसकी प्लाई रहेगी, वो प्लाई ही रहेगी, बोर्ड नहीं रहेगा। उसके बाद ये एक और तरह से बनता है, मतलब चार पार्ट में खुलने का बनता है, एक उधर से, 1, 2, 3, 4, मतलब ये जो कब्जे लगे हुए हैं ये सीधे सीधे लग जाएंगे, ये तो चार पार्ट में खुलने का बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको दो पार्ट में खुलने का चाहिए कि चार पार्ट में खुलने का चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप लेते हैं तो दो पार्ट में खुलने का लीजिए, सपोज डैट आप वहाँ से भी खोलने का है तो यहाँ से भी खोलने का है, वहाँ से आप खोलेंगे तो आपको खोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, साइड से खोलेंगे तो आराम से पूरा खुल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप दो पार्ट में लीजिए, अगर आपकी मर्जी है तो आप चार पार्ट में भी ले सकते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है बेड लेने से पहले। तो दोस्तों ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल इस बेड की, और अगर आपको इस बेड को लेना है तो इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और दोस्तों अगर आप बेड लेते हैं तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, जो चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर करी है आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें बेड लेने से पहले। बेड कोई भी डिज़ाइन का आप ले सकते हैं, बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसके ऊपर जो प्लाई रहेगी उसकी थिकनेस, जो उसके नीचे जो प्लाई है उसकी थिकनेस, और उसके बाद बिल पे गारंटी वारंटी जो भी दुकानदार देता है तो वो चीज़ सारी चीज़ आप बिल पे ज़रूर मेंशन करा लें, कितने साल की वारंटी दे रहे हैं वो सारी चीज़ आप बिल पे ज़रूर मेंशन करा लें, किन किन चीज़ की वारंटी गारंटी कवर कर रहे हैं वो सारी चीज़ आपको बिल पे मेंशन ज़रूर होनी चाहिए। इन फ्यूचर कभी आपका प्रोडक्ट डैमेज होता है तो आप इजीली से क्लेम कर सकें, बाद में वो ये ना बोल सकें कि हाँ कि हमने ऐसा नहीं बोला था, ये सारी चीज़ अगर बिल पे मेंशन रहेगी तो आपको ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर में। तो दोस्तों ये थी इस बेड की पूरी डिटेल, अगर आपको बेड लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ का जितना भी एड्रेस है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी कोई फर्नीचर रिलेटेड क्वेरी है, मतलब अगर आपको फर्नीचर के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट क्वेश्चन करके DM कर सकते हैं।